गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, उसका एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध तार जुड़े होते हैं वो सभी उन सभी तारों के एक एक जो सिरे हैं, जैसे कि देखिए ये जो हमने तार जोड़ रखे हैं तीन, इन तीनों तारों का है, इन तीनों तारों के एक एक सिरे बिंदु C से जुड़े हुए हैं और इन तीनों तारों के दूसरे सिरे जो हैं वो बिंदु B से जुड़े हुए हैं और C जो है वो बैटरी के प्लस सिरे से और यहाँ D जो है वो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होता है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि तीनों जो तार हैं, प्रतिरोध तार जो हमने तीनों ले रखे हैं, उन तीनों तारों के एक एक सिरे जो हैं वो बैटरी के धन सिरे से जुड़े रहेंगे और दूसरे वाले जो सिरे हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक जगह बिंदु C पर एवं दूसरे सिरे बिंदु D पर जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने पढ़ा था कि जो वायर हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखिए ये तीन वायर हमने लिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी ये है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V समान होता है और धारा I का मान सभी प्रतिरोध तारों में भिन्न भिन्न होता है। ये तीन वायर हैं, तीनों में धारा के जो मान हैं वो I1, I2 और I3 हमने लिए हैं, लेकिन जो परिपथ है उसमें कुल धारा जो है वो I होगी जो इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से इस सेल से ये जो धारा है वो इधर से प्रवाहित होती है और यहाँ तीन भागों में विभाजित हो जाती है और I1 धारा R1 प्रतिरोध में से, I2 धारा R2 प्रतिरोध में से और I3 धारा R3 प्रतिरोध में से गुजर कर और D बिंदु पर वापस I बन जाती है जो बाह्य प्रतिरोध में इस माइनस सिरे पर आके मिलती है। और तीनों प्रतिरोधों में V का जो मान है, विभवांतर जो है वो V समान होगा। क्यों? क्योंकि तीनों तार बैटरी के धन सिरे से और तीनों ही तार के जो दूसरे सिरे हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होते हैं, इसलिए तीनों वायर बैटरी के संपर्क में होने के कारण और इनका विभवांतर समान होगा जो बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। इन तीनों प्रतिरोध तारों के तुल्य प्रतिरोध अगर कैपिटल R, कुल धारा अगर कैपिटल I और विभवांतर अगर V हो तो ओम के नियमानुसार हम लिख सकते हैं V बराबर IR। ये अपन ने पढ़ा था ओम का नियम, हमने जो पढ़ा था तब, और यहाँ से आ जाएगा I बराबर V बटे R, या R का इधर भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा V बटे R। R1 प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा I1 है तो V बटे R1। यहाँ देखिए इसी सूत्र में हमने I की जगह क्या लिखा, I1, और R की जगह क्या लिखा, R1। V समान है तो V चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार R2 में से प्रवाहित धारा I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, और R3 में से प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3। तो ये सिमिलर हैं तीनों, केवल हमने 1, 2, 3 यहाँ 1, 2, 3 लिखा है, V समान रहेगा। टोटल धारा I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों धाराओं के योग के बराबर है, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। यहाँ से हमने ये मान ली थी चारों समीकरण, ये चारों समीकरण हैं, इन चारों समीकरण से हमने I का, I1 का, I2 का, I3 का मान हमने यहाँ रखा और ये हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने V को कॉमन लिया तो यहाँ V हुआ, ये V से भी कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम
क्या लिख सकते हैं? इसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये तुल्य प्रतिरोध आ रहा है, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बटे में जो हमने लिख रखा है, इसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोध कौन से हैं, R1 है, R2 है, R3 है, इन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के, ये देखिए व्युत्क्रम कर रखा है हमने और योग कर रखा है, फिर व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ हमारे पास में, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। अब यहाँ अपन एक बात ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखोगे, अगर हमें कम से कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमें सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है जिसमें R1, R2, R3 का मान अगर दिया हुआ है तो उसमें आप अगर अधिकतम प्रतिरोध पूछे तो आप श्रेणी क्रम में करोगे उनको, और अगर न्यूनतम प्रतिरोध पूछे, कम से कम प्रतिरोध पूछे, तो आप उसको समांतर क्रम वाला सूत्र लगा के आप न्यूमेरिकल करोगे। यदि हमारे पास में तीन तार की जगह हमने दो ही तार अगर ले रखे हैं तो दो तार के लिए आ जाएगा एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू। लघुतम लिया यहाँ पे आर वन और आर टू, ये लघुतम आ गया। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ आर टू प्लस आर वन, जिसको अपन आर वन प्लस आर टू भी लिख सकते हैं। इसको जब अपन उल्टा करेंगे इसका, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, ये भी नीचे वाले जो राशि है वो ऊपर चली जाएगी, तो यह आ जाएगा R बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। तो ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमारे पास में प्राप्त हुआ, इसके लिए दो प्रतिरोध तारों के लिए। तो आप डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हो यदि हमें केवल दो तार दे रखे हों तो। अब अपने एग्जांपल करते हैं, एक विद्युत परिपथ में एक ओम दो ओम तीन ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है तो हमें निम्न चीज़ें ज्ञात करनी है। नंबर एक, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है R, कैपिटल R, ये हमारे पास में सूत्र है, ये सूत्र है। एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, तो ये सूत्र लगा के हम तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या जाएगा, एक बटे वन प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा तीन, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। वी का मान हमें कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। देखिए तुल्य प्रतिरोध जैसा मैंने बताया था, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ये मान रख दिए सबके, एक बटा एक, एक बटा दो, एक बटा तीन, ये हमें मान दे रखे हैं न्यूमेरिकल में। और यहाँ से लघुतम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ 6 होगा, दो वाले को हल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 3 वाले को हल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। आपको आता है लघुतम लेना और इसको सॉल्व करना, 6 का भाग लगाएंगे अपन, एक का भाग लगाएंगे अपन 6 में तो 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग लगाएंगे 3 6 में तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। इसी प्रकार 3 का भाग लगाएंगे 6 में तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, इनको जब जोड़ेंगे तो 6 और ये 5 ग्यारह बटी 16। इस आर को जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये भी उलट जाएंगे और ये आ जाएगा 11 बटी 6, यहाँ 16 मिस्टेक है, ये 6 होना चाहिए यहाँ पे, 6 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 6 बटे 11 होगा। तो
इस प्रकार से हमने जो तुल्य प्रतिरोध का मान निकाला वो हमारा आया 6/11। यहाँ पे आप इसका थोड़ा ठीक कर लें, ये 0 है यहाँ पे और ये 6 लघुतम है, ऊपर 6/5 11/6। इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में V दे रखा है 6 वोल्ट। परिपथ में धारा I बराबर V/R, V का मान कितना है 6, R हमें कितना मिला 6/11। V का मान 6 रख दिया, R का मान 6/11 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 11 एम्पियर। 6 गुणा 11/6 कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा 11 एम्पियर। तो कुल धारा कितनी आ गई हमारे पास में 11 एम्पियर। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करने के लिए वही हमारे पास में सूत्र है जो अपन ने पढ़े थे, V/R1। V का मान 6 है, R1 का मान 1 है, तो 6 एम्पियर। यहाँ आप अपने सूत्र का सत्यापन स्वयं कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं कि इन तीनों धाराओं के जो मान हमें प्राप्त हुए 6, 3 और 2, इनके जो टोटल जो मान हैं वो इस 11 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया और हमने I3 भी निकाल लिया, तो इन तीनों का योग 11 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से सूत्र में R मान रखे और ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब तापीय प्रभाव क्या होता है, ताप का मतलब यहाँ सीधे ऊष्मा से है कि गर्म हो जाना। जब किसी भी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है और उसी को अपन कहते हैं तापीय प्रभाव। वो गर्म क्यों हो जाता है, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए आप ये बैटरी लगा रखी है, यहाँ से बैटरी का ये धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है। इसमें बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, अपन कोई भी अलग से बैटरी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर या उस बिंदु में, यहाँ पर अपन अलग से बैटरी ड्रॉ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं बैटरी का। और इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है उस रासायनिक क्रिया से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा लेता है और इस माइनस वाले सिरे से वह बाहर निकलता है और बाहर निकल के और यहाँ से धारा की विपरीत दिशा में वो गति करता हुआ इन प्रतिरोधों में से गुजरेगा और अपनी धारा को, अपनी एनर्जी को यहाँ पर व्यय करेगा, खर्च कर देगा और वापस जो इलेक्ट्रॉन है वो धारा की विपरीत दिशा में इस तरफ से और प्लस सिरे पर वापस आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको ग्रहण करके और बाहरी परिपथ में गति करता है और अपनी ऊर्जा को खर्च करता है, कहाँ पे, इन प्रतिरोधों में, और फिर पुनः वह सेल के धन सिरे पर प्रवेश करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है बार बार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा और फिर बाहरी परिपथ में प्रवाहित होगा और इन प्रतिरोधों में वो अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, व्यय करेगा और वापस बैटरी की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अपनी खर्च कर रहे हैं वह ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है जिससे तार गर्म हो जाता है। तो इसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, जब बैटरी को किसी चालक तार से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हो जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध तार में से प्रवाहित होते हैं तो प्रतिरोध के कारण ये इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा को व्यय कर देते हैं, अपनी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉनों के पास वो उन प्रतिरोध तारों को वो दे देते हैं रुकावट होने के कारण, जिससे तार गर्म हो जाता है। अर्थात सेल की जो रासायनिक ऊर्जा है वो इसमें बदल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
तो ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा, स्रोत कौन है यहाँ पर, सेल, स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्रोत द्वारा या सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा दी जाती है, पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित, ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है, क्षय हो जाता है उसका, उसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर, हीटर है उसका वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर हीटर आपने यूज़ किया है तो उसका वायर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वह ऊष्मा उत्सर्जित करने लग जाता है। विद्युत गीजर, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो विद्युत इस्त्री है, प्रेस, अपन कपड़ों पर प्रेस करते हैं विद्युत वाली जो है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी से जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर की जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो प्रतिरोध प्लेट होती है वो, और उससे हम प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी स्रोत का, किसी भी स्रोत की जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में क्षयित हो, तो उसे अपन कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, केवल तापीय प्रभाव अपन किसे कहते हैं, वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप पढ़ें। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया है, इसको आप दोबारा करें अपने नोटबुक में। और इससे पहले जो मैंने फोर्थ एग्जाम्पल आपको करवाया था, उसको भी आप, वो श्रेणी क्रम का जो फोर्थ एग्जाम्पल था उसको भी आप दोबारा पढ़ें, दोबारा करें इसको। और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप करके देखें। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, जो आपकी बुक में पीछे दे रखे हैं, वो भी आप करके देखोगे उन न्यूमेरिकल्स को भी। और ये जो नोट्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये आप अपने फ्रेंड नोटबुक में करोगे, क्योंकि बार बार आप फ़ोन का यूज़ करके इसको पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट ज़्यादा होगा और आप बार बार आप डिस्टर्ब भी होगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये नोट्स अपने नोटबुक में नोट करें। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी आप करके देखें। और ये जितने भी मैटर मैंने करवाए हैं, जितने भी नोट्स करवाए हैं, इनको आप बार बार पढ़ते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि अपन इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस ऊष्मा का अपन सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो क्षयित ऊर्जा का जो सूत्र है, क्षयित ऊष्मा का जो सूत्र है, वो अपन कल पढ़ेंगे कि कैसे ज्ञात किया जाता है। और चैप्टर भी अब एक दो दिन क्लास जो होगी उसमें ख़त्म होने वाला है, तो आप इससे पूरा कंप्लीट रेगुलर इसको पढ़ें। धन्यवाद।